पाकिस्तान के मरूफ अदाकार जायद अहमद ने कहा है कि मायरा खान के मिजाज और काम के अंदाज से बिल्कुल नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी स्टार हैं। मूसा फिल्म प्रिंस चार्मिंग से मुतलक उन्होंने बताते हुए कहा है कि मायरा खान के साथ पहली मरतबा काम किया, वह नहायत प्रोफेशनल अदाकारा हैं और इनके मिजाज और काम के अंदाज से बिल्कुल नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी स्टार हैं। ड्रामों के इंतखाब के हवाले से उनका कहना था कि मेरी यही कोशिश होती है कि जो ड्रामा मेरे पास आए मैं उसको मैं देखता हूँ कि मर्द का किरदार कहानी के लिए कितना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि मैंने अभी तक जितने भी ड्रामे किए हैं उनमें देखा जा सकता है कि इनमें मर्दों के किरदार भर्ती नहीं किए गए बल्कि एक मजबूत थे। जायद अहमद का ये भी कहना था कि हर कहानी में मेरा जो किरदार था इसमें सिर्फ प्यार मोहब्बत थी, लड़की का मकसद नहीं था। अदाकार का कहना था कि मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि काम ऐसा करें कि जब भी कोई रूटीन से हटकर किरदार हो तो इसके लिए आपका इंतखाब किया जाए और इस कहानी के लिए आपको ज़रूरी समझा जाए। ड्रामों पर होने वाली तनकीद से मुतलक जायद अहमद का कहना था कि अगर चैनल्स एक सी कहानियाँ दिखा रहे हैं तो यकीनन जो बिक रहा है वही दिख रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आम इंसान खसूसी तौर पर ख्वातीन कहानियों को अपनी ज़िंदगी से जोड़ रही होती हैं तो फिर चैनल्स भी इसी किस्म की कहानियों को बनाकर बेच रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहूँगा कि कुछ ना कुछ मुख्तलिफ बनता रहना चाहिए जो कि बनता भी है। हर चैनल साल में एक आध मरतबा कुछ मुनफर्द बनाने की कोशिश करता है। जायद अहमद ने यह भी बताया कि वो अपना ड्रामा खुद देखते हैं ताकि मालूम कर सकें कि कुछ अच्छा किया है या बुरा। उन्होंने कहा कि तनकीद से नहीं घबराता, वो कहते हैं कि तनकीद अगर इस्लाह के लिए की जा रही हो तो ठीक है, वरना तो फिर सारी दुनिया में अवामी शख्सियात पर तनकीद होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं, बस रिएक्शन ना दें। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतलक जायद अहमद ने कहा है कि मैं सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल नहीं करता, जितनी ज़रूरत होती है उतना करता हूँ और ज़्यादातर इंस्टाग्राम को पर वक्त देता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मैं सोच समझ कर बात करने की अहमियत से बखूबी वाकफ़ हूँ, इसीलिए कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ कि मेरा जिक्र कहीं भी हो और मेरे काम के अलावा। जायद अहमद ने मज़ीद कहा है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा शोहरत चाहिए तो फिर वो मुँह फाड़ कर बात करे और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यकीनन सोच समझ कर ही बोलेगा। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि यहाँ हर किस्म का आर्टिस्ट है, किसी को खबरों में रहना अच्छा लगता है और किसी को नहीं, सब की अपनी अपनी तरजीहात हैं। एक सवाल के जवाब में जायद अहमद ने कहा है कि उन्हें सबा कमर यमुना ज़ैदी और सोनिया हुसैन की अदाकारी में शम से बहुत मुतासर कुल लगी है, जबकि मर्द अदाकारों में उन्हें कोहर रशीद, बिलाल अब्बास और अहमद अली अकबर की अदाकारी बहुत पसंद है। अहलिया और बच्चों से मुतलक जायद अहमद ने कहा है कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मैं शादीशुदा था और जब मर्द की इज़्वाजी ज़िंदगी सेटल हो तो इसके पांव ज़मीन पर और दिमाग काम के एक तरफ होता है। मज़ीद इंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए वाजोक इंटरटेनमेंट।